दूर बची है उधर भी चलिए क्यों लेगा फाइन तो होने का तो लिया हो देखो भाई शुरू करते हैं ठीक है क्या है देखो भाई क्या है साइन इनवर्स एक्स वन प्लस कोस प्लस साइन इनवर्स एक्स वन कोस इनवर्स एक्स वन का रूट साइन इनवर्स एक्स टू कोस इनवर्स एक्स टू का रूट साइन इनवर्स एक्स थ्री कोस इनवर्स एक्स थ्री अब टू साइन इनवर्स एक्स ट्वेंटी एट कोस इनवर्स एक्स ट्वेंटी एट ठीक है फोर और आई आई इक्वल टू वन टू थ्री अब टू ट्वेंटी एट एक्स इक्वल टू जीरो टू वन एक्स इक्वल टू जीरो टू जी ट्वेंटी एट ही है देखो आइए ज़रा जल्दी से देखने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा एक बार वो ये क्वेश्चन है ये क्या देखते हैं देखो भाई इसमें सवाल तो समझ में आ गया ना कोई ज़्यादा दिक्कत तो है नहीं क्या इधर यानी कि ये 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 अब तो कहाँ रखे ट्वेंटी एट तक के इसकी जो है वैल्यू निकालनी है इसकी क्या है वैल्यू निकालनी वैल्यू किससे निकालते हैं भाई दे रखा आई इक्वल टू वन टू ट्वेंटी एट इस तरह और x बिलोंग्स टू जीरो टू वन यहाँ एक्स आई भी कर सकता हूँ मैं साइन इनवर्स एक्स आई कोस इनवर्स एक्स आई देखो अब मैं मान लिया a और b दो नंबर हैं इनका जो हमेशा ए एम और जी एम में क्या रिलेशन होता है क्या होता है हाँ यानी अर्थमेटिक मीन कह रहे हैं ये घट जाएगा तो जो बड़ा होगा या छोटा होगा ये तो चैन नहीं लिख सकते यही बात है ठीक इसका ए और बी का अर्थमेटिक मीन क्या होता है मीन क्या होता है किसी भी चीज का मीन आ रही मीन क्या होता है जितने भी सम ऑफ टोटल नंबर अपॉन नंबर है ये नहीं होता किसी का मीन समांतर मध्य जी का वही था अर्थमेटिक मीन यानी ए और बी का मीन क्या आ जाएगा इसका ए प्लस बी बाई टू और जी एम का क्या होता है ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है दोनों का मल्टीप्लाई करके क्या ले लो उसका स्क्वायर रूट अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन कर लिया भाई क्या देगा ये साइन इनवर्स एक्स वन प्लस कोस इनवर्स एक्स वन अपॉन जी क्या कह रहे तो हाँ इसका साइन इनवर्स एक्स वन कोस इनवर्स एक्स वन का ये रूट मैंने आने का दोनों अरे भाई साइन इनवर्स एक्स वन कोस इनवर्स एक्स वन का क्या आएगा रूट इसका निकाले रूट का नहीं साइन इनवर्स एक्स वन का एक्स वन और कोस इनवर्स एक्स वन इनका अर्थमेटिक नहीं ज्योमेट्रिक भी निकाल लिया दोनों का मैंने आए समझ सोचो ठीक है अब आगे क्या देगा साइन इनवर्स एक्स टू
कोस इनवर्स एक्स एयर फ्रेम लिख करो काई क्या जाएगा बोलो साइन इनवर्स एक्स टू कोस इनवर्स एक्स टू अपॉन टू इसमें क्या जाएगा फिर साइन इनवर्स एक्स ट्वेंटी एट कोस इनवर्स एक्स ट्वेंटी एट इकट्ठा कर दिया अलग अलग चाहे अलग अलग कर दिया एक ही तो बात है इसको लिखा हुआ इस तरह ले कर दिया इनको ऐसे करता है मैंने ठीक है इक्वल टू क्या जाएगा साइन इनवर्स एक्स ट्वेंटी एट प्लस कोस इनवर्स एक्स अपॉन इन्हें सबको ऐड कर अब तो है ये भाई ये यहाँ तक ये एंड ये हो जाए ये ध्यान रख लेना भाई ठीक है इन्हें सबको ऐड कर दिया एल एच एस और आर एच एस को क्या कर दिया मैंने दिक्कत तो नहीं कर दूँ ये क्या आ जाएगा भाई बोलो क्या आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स वन कोस इनवर्स एक्स वन प्लस साइन इनवर्स एक्स टू कोस इनवर्स एक्स टू है भाई अब टू क्या आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स ट्वेंटी एट चेक को अलग अलग कर लूँ है अब टू देखो यहाँ क्या आएगा देखो यहाँ क्या आएगा ये आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स वन प्लस कोस इनवर्स एक्स वन कितना जाएगा ये पाई बाई टू यहाँ कितना आएगा पाई बाई टू यहाँ कितना आएगा कितने पाई बाई टू आएंगे ट्वेंटी एट मल्टीप्लाई पाई बाई टू अपॉन टू डायरेक्ट लिख दूँ या पहले यूँ लिखूँ कि ये फाइव पाई बाई टू है समझ में आ गया भाई और तुम्हें समझ में नहीं आया देखो ये पाई बाई टू ये भी पाई बाई टू ये भी पाई बाई टू जब ऐड करूँगा प्लस के पाई बाई टू पाई बाई टू पाई बाई टू कितनी बार आएगा ट्वेंटी एट ये ट्वेंटी एट से मल्टीप्लाई कर दूँ ट्वेंटी एट मल्टीप्लाई पाई बाई टू है ये क्या आएगा ट्वेंटी एट मल्टीप्लाई पाई बाई फोर फोर सेवन का सेवेंटी क्या आ गया सेवन पाई है इसकी वैल्यू कितनी है आगे तुम्हें दिक्कत तो नहीं आगे बढ़ते हैं फिर एक और सवाल देखते हैं देखो अगर ये जो है ना इसमें क्या इसे ये भी कर सकता हूँ ए एम ग्रेटर देन बी जो बारी बार हो जाए अगर ये हो जाता है तो कोई ज़्यादा मैटर नहीं रहा पड़े क्या कह रहे भाई जी भाई मेरे से हो गए लेस देन इक्वल टू सेवन पर और क्या करना चाह रहे हैं अब कुछ और करना चाहो तो कर लीजिए फॉर्मूला क्या है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई क्योंकि कल मैंने साइन इनवर्स कोस इनवर्स के फॉर्मूले बताए थे ना वो सारे समझ में आ गए होंगे सीधे वही नहीं आ जाते वो बच्चे की तरह ही फॉर्मूले पुराने तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बोल लो टेन इनवर्स ए प्लस बी वही नहीं था जो ए प्लस बी वाला वन माइनस कब एक्स इज ग्रेटर देन जीरो वाई
ग्रेटर देन दियो और एक्स वाई इज ग्रेटर देन वन। जी ये बताइए बात कब? अच्छा मुझे तो फ्रेंड ने बताया हुआ है, तो क्या होगा इस तरह बताई थी। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या आएगा? टेन इनवर्स बहुत अच्छा बढ़ाते हैं वो भी मैथ। एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस वाई, एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, वाई इज ग्रेटर देन जीरो, एक्स वाई। अगर बारिश हो गई थी बहुत तेज है ना, यहाँ भी हुई थी। हाँ तुम तो पहले आ गए होंगे ना, मैं रास्ते में था, मैंने कहा भाई आ नहीं सकता है क्या? आते हुए क्या जाते हुए? मैं भी जब जो है बहुत तेज़ बारिश आ गई, तो मैंने कहा भाई साहब आए जाना, बहुत तेज़ बारिश है ना, एक बिजली भी खड़क रही थी है ना, उसे भी डर लगता है आदमी को। वो पता क्या, वो मोबाइल का रेस भी पकड़ लेती है बारी बार है। एक और फॉर्म में बताया था इसमें, कुछ और कुछ आगे भी बताया था, इसमें बताया था माइनस वाला। ये क्या होता है? माइनस पाई है, क्या बताया होगा? माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई, एक्स इज लेस देन जीरो, वाई इज लेस देन जीरो और एक्स वाई। ये बताया था कुछ और बताया था है? हाँ मतलब ये नहीं बताया होगा ना, अच्छी बात है अगर बता दी सारे। मैं फिर तो ये तो हमारी जरूरत ही नहीं रही अगर सारी चीज़ बता दी है। आई बात नहीं ठीक है। देखो अब tan इनवर्स x माइनस वाई वाले बताता नहीं मैं, इस तरह ही साइन टू ए साइन सी सब उतार लूँगा, अपने कोई दिक्कत तो नहीं, कुछ देख लूँगे दामों तुम्हारे हैं ही भाई हैं, हाँ वे लिखूँ भाई बच्चों की तरह कॉपी तो बना रखी, बस ये लिख लो सर फॉर्मूले आगे बढ़े भाई, लिख लूँगा भाई फॉर्मूले तो वे साइन इनवर्स टू एस का इस्तेमाल भी कर लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं होती। जैसे तो साइन टू ए का है वो साइन ए को से है, इसमें भी साइन इनवर्स टू एक्स का फॉर्मूला है, जिसको उसमें टेन ए प्लस टेन बी, इसमें टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का बताया इन्होंने मुझे, बता भी कहाँ है ये बता तुमने भी मुझे, इस तरह के फॉर्मूले सब देख लो कॉपी में लिख लो। आगे आगे है भाई, एक क्या होता है सर्कम सेंटर, एक क्या होता है इन सेंटर, जानते हो ना क्या क्या होता है? सुना कभी नाम सर्कम सेंटर, इन सेंटर, अंत केंद्र, लम केंद्र, केंद्रक, सुना नहीं? कुछ नहीं सुना। देखो कुछ नहीं सुना, सुन लेते हैं, पीसी सिक्स की बात है ये, तो पांच छठी की बात यार, सुना नहीं भाई? याद नहीं है, पढ़ा तो ही कुछ कुछ है। देखो भाई ये क्या चीज़ है, क्या चीज़ है ट्राइंगल के, अगर एक चारों तरफ मैं जो है एक सर्कल बना दूँ, मैंने झूठता हो जा रहा भाई, देख लो जरा, फिर वही कहोगे गोल सा नहीं है, गोल है बस, ही मान लो ध्यान में, समझिए पूरा गोल है ये, समझिए मैंने समझू किया है नहीं, अरे इससे छूटता होता जा रहा भाई, ठीक। जो इसका सेंटर होगा इसे बोलते हैं सर्कम सेंटर, इसे क्या बोलते हैं? और ये ट्राइंगल है, इसके जो अंदर जो होगा वो क्या बोलते हैं, जो सर्कल बनेगा जो उसका सेंटर होगा क्या होगा? इन सेंटर या इन सर्कल बोल गया इसके अंदर, सुना नहीं कभी नाम सुने? अब तो सुन लिए, अब आए कहाँ से भाई ये? अगर मान लिया इसकी रेडियस बड़ा आर है, फिलहाल से सोचो सर्कम सेंटर की रेडियस कितनी है और इन सेंटर की कितनी है भाई, इसकी कितनी है? छोटा छोटा है तो छोटा लग गया, बड़ा है तो बड़ा लग गया, ये छोटा नहीं लग रहा, ये हो गया भाई बड़ा, तो बड़े की क्या आ गई? बड़ी रेडियस, छोटे की रटने की जरूरत तो नहीं है। अच्छा इससे पहले एक क्या होती है तुम्हारे, अच्छा एक फॉर्मूला देखो, आर इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला दोनों में रिलेशन, आर इक्वल टू 4R साइन A बाई टू साइन B बाई टू साइन C बाई टू, ये फॉर्मूला होता है, मतलब नहीं आ रहे हैं तो इन सेंटर सेंटर जल्दी जल्दी होगा आज हैं। अच्छा सुनो यार हैं, हम मत नहीं आ, मुझे भी नहीं मजा आया, कुछ हुआ तुम भी देखते हो हुआ क्या चीज़ें हैं,
ये छोटा बड़ा तो समझ में आ गया। बच्चों मैं समझिए बच्चों से ही चलेगा गाँव में, बच्चों वाली टेक्निक ही चलेगी, वो नहीं चलती बढ़िया। देखो भाई ये क्या है, ये एक ट्राइंगल है ठीक भाई। इस ट्राइंगल के वर्टेक्स में अगर इस पे मैं एक लाइन डाल लाइन ड्रॉ करूं और ये हाफ में इसको डिवाइड कर दे, ये लाइन क्या कहलाती है इसकी, क्या कहलाती है, अभिलंब का, हाँ अभिलंब अलग के लगे जो परपेंडिकुलर डाल लूँगा मैं, क्या कहा बेटे मैंने, एक ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल के वर्टेक्स के अक्ष के अपोजिट में लाइन डाल ली, इनकी इसको ये जो है ए बी को क्या करती है, तो ए एम इक्वल टू एम बी डिवाइड करती है, इसी तरह ये डिवाइड करती है, ये क्या जगह मान लिया ए एल है तो क्या जगह ए एल इक्वल टू बी एल, दैट इज ए एम इज कॉल्ड टू द मीडियन, ये क्या कहलाती है भाई, मीडियन कहलाती है, सुना होगा ना माध्यिका, यही माध्यिका है या मीडियन, ए एम इज इक्वल टू मीडियन, बातें बात सुना होगी भाई, अब इनकी गंज भाई, तो जो इसका ये यहाँ ये सेंटर हो गया ठीक। अब देखो एक और ट्राइंगल है, अब मैं क्या करता हूँ इस ट्राइंगल का, इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालता हूँ जो बिल्कुल 90 डिग्री का, ये भी लम जी तो बता रहे मुझे, ये कितने का है, ये क्या है, ये भी 90 डिग्री का है, यहाँ इसको इंग्लिश में क्या बोल देंगे, एल्टीट्यूड, इसे क्या बोलते हैं, ए एम क्या है, एल टी ट्यूड, इसका यहाँ से भी ये खींच सकूँ भाई, ये भी यहीं से हो के जाएगा, इसका यहाँ से भी खींच सकूँ, दो से भी काम चल जाए मेरा, कम से कम दो में काम चल जाता है, तीनों तो और ज़्यादा बढ़िया, तीनों आ गई है तो बात, मीडियन और एल्टीट्यूड में संबंध रिलेशन पता लग गया है ठीक है। और ये जो है खुद 2:1 रेशियो में डिवाइड होती है, ये मीडियन की एक और डेफिनेशन है, क्या है, 2:1 रेशियो में बाईसेक्ट होती है आपस में एक दूसरे, मीडियन कितनी होती है, यानी ये दो हिस्सा दिया एक हिस्सा, और ये जो है इसे 1:1/2 में आध्यात्मी में से डिवाइड कर देती है, यहाँ तो बात समझ आ गई, ये भी समझ में आ गया, एक ऐसा हो सके, फिर एक ट्राइंगल है भाई ठीक। अब मैं इसके एंगल का बाईसेक्टर कर दूं, कर दूं एंगल का, ये भी एंगल का बाईसेक्टर कर दिया, ये यहाँ से वो साइड ऊपर से कर दूं, चलो कर दूं, आसान से बने मतलब सारा जो बनाते मैं, ये भी एंगल का बाईसेक्टर, ये कह क्या बाईसेक्टर है, समझ में आ गया, दिक्कत क्यों नहीं। फिर एक और ट्राइंगल है, उल्टे हो यार, हम इधर से चलते हैं दुनिया दर्शन है, हम इधर से बनाते हैं, अच्छा उर्दू नहीं है ना, भी हिंदी ना, हिंदी ना इंग्लिश, तो अब देखो फिर एक ट्राइंगल आ गई, फिर ये मैं सोचा था थोड़ा ही बताऊंगा लेकिन चलो बता दी क्या है, फिर ये क्या हो गया, फिर एक, फिर मैंने क्या करा, इनका बाईसेक्टर कर दिया, किसका, साइड का, एक ये एक ये, गलत कर दिया, देखने में थोड़ा ठीक ठाक रहना चाहिए ना, ये ठीक है। अब फिर इसका एक बाईसेक्टर करा मैंने, ये कहीं ना कहीं बाईसेक्ट करेंगे, फिर इसका बाईसेक्ट करा, ये भी एक सेंटर होगा यहाँ, इसमें किसका बाईसेक्ट करा भाई, इसमें इसमें एल्टीट्यूड, ये एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड को भाई, इसके ये क्या करा, मीडियन, ये क्या है, आई बात नहीं आ रखे, कोई दिक्कत तो नहीं आ रखी, इसे लिख ले भाई थोड़ा, कभी भूल जाए, बहुत फंडामेंटल चीज़ है, कहीं मिल नहीं तुम्हें,
मीडियन और इसमें एल्टीट्यूड में क्या हुआ है जी? देखते ये परपेंडिकुलर होता है या परपेंडिकुलर नहीं होता? एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर होता है, एल्टीट्यूड कहते हैं ऊंचाई, हाइट, हाइट कैसी हो जाए तारी पुलिसों की नपरा किसको नपरा थी जी? देखती ना पी पुलिस वाले एक किसको ना आया तब नीचे पुलिस वाले कहा सीधा करो यही यूं उठाया तो बजा तनी बिल्कुल सीधे ना यही दिन अपनी लड़के लड़े हैं अभी जब रिश्ता तो उसकी ऊंचाई बताया 5 फुट 6 इंच की नहीं 5 फुट 4 इंच की है लड़ाई नहीं होती अब वो तो बोनी आ गई बहू है जाके यूं नहीं करते मोहल्ले में अभी हंस रहे देखो भाई देखो एक मिनट को ये जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये क्या है परपेंडिकुलर से क्या बनेगा सर्कम सेंटर चलो सब घूम घूम के आपका बता देता मैंने इन सेंटर ऑर्थो सेंटर जो इनके 90 डिग्री से काटने जो सेंटर बनेगा सर्किल का उसे क्या कहेंगे ऑर्थो सेंटर जो सेंटर के मीडियन का जो सेंटर होगा जहाँ दो या दो से ज्यादा मीडियन काटेगी तो भी क्या कहलाएगा सेंटर की रेडियस है जो 4 है और इनके एंगलों का आधा ए बी सी था ना ये इन एंगलों का आधा अब राज अब ये अब आया होगा मजा सा कुछ याद भी हो जाएगा अब समझ में ना दोनों आर की सेम है मतलब भाई कौन से वाले ये तो आर इसका है क्या कहते हैं ये दोनों आर ये सेम किस होंगे बेटे इसमें तो योगा देखिए यहाँ देखिए मान देते हो खुद ही सेम होंगे नहीं होंगे देखिए ये तो बाहर गया ये अंदर गया देखिए सेम हो चुके हैं नहीं बेटे वो तो हाँ तो आर नीचे था वो हाँ इन सेंटर का आ रहा था जिस इसका आर लिखा इसके जैसे लिखा था मैंने अब आगे इसमें भाई खोज से आ गया ये फंडामेंटल थी फिफ्थ की चीज थी क्या 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 हो गया सर्किल के सेंटर सर्कम सेंटर इन सेंटर ऑर्थो सेंटर और सेंट्रोइड अब तो बता दूंगे भाई और ये फॉर्मूला भी याद हो गया आर इक्वल टू 4r sin a / 2 sin b / 2 sin ये बड़ी रेडियस का है ऑर्थो सेंटर निकाल लें बड़ी रेडियस निकाल लें इसकी सर्कम सेंटर की रेडियस निकाल लें 4r sin a / 2 sin c / 2 साइन सी बाई टू आगे बढ़े भाई बात मिटो दो हफ्ते से अब तो आसान लगा होगा फॉर्म ले अगर राम कहता थी हुई क्या है हाँ आधा आधा बिल्कुल मतलब देखो अगर तीन एंगल दे रखे हैं यहाँ देखो क्या आ जाएगा छोटी रेट दे रखी है इन सेंटर की 4 × 2 साइन 60/2 साइन जो भी दे रखा हुआ है एक फॉर्मूला होता है आर इक्वल टू एक फॉर्मूला क्या होता है आर इक्वल टू एफ माइनस बी आर इक्वल टू एफ माइनस बी टेन बी बाई टू टेन देखो ये साइड है ये क्या है इसका एंगल है ये भी ध्यान रखना भाई इस ट्राइंगल में बताया था ये ए बी सी है अगर ए बी सी ये तो एंगल है ए एंगल बी है ये एंगल सी है ए के सामने की साइड ए बी के सामने की बी सी के सामने की सी साइड समझ में आ गया भाई ये आर के साथ एंगल लिया हुआ है अच्छा ये एफ क्या होता है एफ साइन है खाली एफ है टू एफ इज इक्वल टू क्या होता है पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल लिया जाएगा भाई पैरामीटर किसे कहते हैं किसे कहते हैं हाँ जो वही वही तो क्या पैरामीटर की हिंदी होती है परिमाप परिमाप से कहते हैं यही ना चार कहानी की समझ ही नहीं भाई वर्गों का सभी भुजाओं के जोड़ को सम ऑफ ऑल साइड इज कॉल्ड टू द पैरामीटर तो छोटी सी डेफिनेशन है यार तो 2s इज इक्वल टू ए बी सी तो 2s क्या आ गया इसका पैरामीटर और s इज इक्वल टू क्या आ गया ये क्या होना चाहिए s इसका नाम क्या होना चाहिए सेमी पैरामीटर सेमीफाइनल नहीं होता फाइनल तक वो ही है सेमी आधा ए प्लस बी प्लस सी बाई टू एस की वैल्यू है बी क्या है ये साइड और इसमें मैं एक ही लिख रहा हूँ दोनों अपने घर से लिख लियो एक है तुम्हें ये भी लिखना एस माइनस ए टेन ए बाई टू बच्चे की तरह यू
ये सी का भी लिखूँ मैं, इतना तो लिख ही लेगा यार, इतने बड़े सारे हो गए इतने भी लिख सकते हैं, इसलिए एक लिखा था मैंने, कभी सोचो एक ही है बस ये फॉर्म रहे हो, इतने तो पहले आ जाओ भाई। एक होता है साइन रूल, एक क्या होता है साइन रूल, फिर एक क्या होता है कोस रूल, फिर एक क्या होता है टैन रूल। क्या रूल हो ये? साइन रूल, कोस। साइन रूल क्या होता है? ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी इक्वल टू टू आर। ये क्या है? ये साइड। और ये क्या है? आर। कौन सी रेडियस? सरकम फेरेंस की, सरकम फेरेंस सेंटर की, जो सरकम फेरेंस सर्किल है उसकी रेडियस, सेंटर की नहीं, सरकम फेरेंस सर्किल की रेडियस, सर्किल में होती है रेडियस। आगे साइन रूल, आगे इसमें एक लिखो कोस रूल, लिखो कोस ए बराबर, कोस ए बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू बी सी। कॉस ए बराबर, वो यहां लिखा जाएगा, ये कॉस ए बराबर, कॉस ए बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू बी सी। क्या कह रहे हो गए कहां? ये बी भी लिखना भाई यहाँ, कोस बी क्या आ जाएगा? देखिए इधर तो देख ले भाई, कोस बी क्या आ जाएगा? सी स्क्वायर प्लस माइनस, यानी जो यहाँ एंगल आ रहा वही माइनस साइड की माइनस हो रही, और जो ये दोनों साइड आ रही यहाँ ट्वाइस इसका आ रहा, इसका याद करने का तरीका। किसके लिखने फॉर्म में? कोस ए, कोस बी, कोस, अगर हमें ए बी सी साइड दिए तो निकाल ही लेगा, सोल्व कर ही लेगा, करके दिखाऊँ इतना तो कर ही लेगा। अब है नेपियर फार्मूला। एक क्या है? नेपियर फार्मूला या टेंजेंट फार्मूला। क्या क्या है? नेपियर फार्मूला क्या है? टेंजेंट और नेपियर फॉर्मूला, टेंजेंट और नेपियर फॉर्मूला, टेंजेंट और नेपियर फॉर्मूला, दो नाम है इसके भाई। टेन बी माइनस सी बाई टू इक्वल टू बी माइनस सी अपॉन बी प्लस सी कॉट ए बाई टू। क्या कहा मैंने? क्या है? देखो इसका मतलब बी और सी दो एंगलों का हाफ है, जो जिनका है वही साइड आएंगी इधर, एक बार माइनस एक बार प्लस, और जो उनकी साइड एंगल नहीं है वो कोट के हाफ में आएगा। इसे कहते हैं टेंजेंट फार्मूला या नेपियर। एक नहीं है, ये कितने हैं? कितने फॉर्मूले हैं? तीन। क्या होंगे गड़ला? बी माइनस सी, सी माइनस ए, फिर गड़ला ए माइनस बी, तीन फॉर्मूले रखे हैं भाई साहब के। अभी बात नहीं, भले ये है कि दो एंगल का जो ले रहे सीधा सीधा फॉर्मूला मोटा मोटा ही है। ये भी हो गया भाई साहब, कुछ भी किसी जी कौन सा वाला आगे सुन में। ये भी ये क्या हो गया? टेंजेंट और नेपियर फॉर्मूला। अच्छा भाई एक बात बताओ मुझे, हाँ भाई, अगर मान लिया आर भी समझ में आ गया, क्या था ये भी पता लग गया,
ये भी पता लग गया, लग गया। और ये क्या चीज है, ये डेल्टा क्या है? इसे बोलते हैं, ये नाम है डेल्टा, सुनाओगे नाम है। हाँ डेल्टा, मतलब वो चेंज वाले यूवी के लिखा है, एक डेल्टा यूवी हो। फिजिक्स में पढ़ते होंगे तुम, बहुत ज़्यादा चेंज हो, वेलोसिटी एक्सीलरेशन है, जगह जगह अच्छे लगते होंगे। अब यदि चेंज हो गई, प्लस हो गई, माइनस होगी, अगर माइनस अगर ना बढ़ रही प्लस होगी है, ये तो ऐसा चक्कर है, बस बढ़ने पढ़ने का यही नहीं होता है, शायद यही पढ़ाते होंगे। भाई ऐसे नहीं है कि अगर जो है उसमें एक्स वेलोसिटी क्या होगी, प्लस बढ़ रही होगी तो एक्सीलरेशन माइनस का होगा, माइनस का होगा प्लस का होगा। अगर बढ़ रही हो है, पहले ज़्यादा के वेलोसिटी हो गई है, पहले से ज़्यादा क्या हो गई तो क्या होगी, प्लस का होगा। अगर कम हो गई तो क्या होगा? चलो खैर हमारा काम नहीं है फिलहाल। ये डेल्टा भरा, ये डेल्टा वो नहीं है ना, बढ़ना घटना, इसका नाम है एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्या होता है यो? एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा इज इक्वल टू रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस हर सारे का। ठीक है बाबू जी, एक होता है बड़े आर और डेल्टा में क्या संबंध, क्या रिलेशन होती है बड़े आर और डेल्टा में, क्या रिलेशन होती है? आर इक्वल टू बड़ा आर क्या होता है? डेल्टा अपॉन एस। डेल्टा भी समझ में आ गया, इसकी वैल्यू भी समझ में आ गई। और वैसे डेल्टा का कहीं फॉर्मूला लगा है ट्राइंगल का, 1/2 इंटू एल्टीट्यूड इंटू हाइट, हाइट इंटू बी एस, वो भी लगा देंगे, वो भी है एक फॉर्मूला है नहीं। और इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है? रूट 3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, पता होगा अभी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो, पता नहीं, पता नहीं। वैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, सिंपल भी होता हूँ, एक सवाल ही करूँगा इसके ऊपर। आर इक्वल टू डेल्टा कोण एस, आर इक्वल टू क्या आ गया? ज्यादा से नहीं हो गए काम हैं, ज्यादा से हो गए आज हैं, ज्यादा से नहीं हो गए, ज्यादा से नहीं हो गए आज काम हो गए आज, वो धीरे धीरे बांधी पुथरी है। एक होता है हाफ एंगल फार्मूला, हाफ एंगल फार्मूला। देखो भाई क्या होता है ये, देखो साइन ए बाई टू, ए का साइन ए बाई टू क्या होता है बोल लो, याद नहीं है? एस माइनस बी एस माइनस सी, ये होता है, ये क्या होता है? अपॉन बी सी अपॉन, ये होता है साइन हाफ, क्या होता है? एस इंटू एस माइनस बी अपॉन एस माइनस सी अपॉन बी सी। एक होता है कॉस हाफ का फॉर्मूला, क्या होता है? एस इंटू एस माइनस ए अपॉन बी सी। देखो भाई ये भी कितने फॉर्मूले हैं, ये कितने तीन है ना, बुझे भाई नहीं के कभी, ये सोचो ये सही काम भाग गए हैं, मतलब एक लिखू का भाई तीन ना, मैं ही बच्चों की तरह कोई फायदा लिख के मेरा। इधर देखो भाई एक छोटा सा इधर देख लो, अब टेन ए बाई टू निकालना मुझे, क्या निकालना है इसका बाद में, टेन ए बाई टू क्या आ जाएगा, इसको इससे डिवाइड कर दूँ, इस बी सी से बी सी जाएगा, बस ये आ जाएगा उसको क्या आएगा, एस माइनस बी एस माइनस सी एस इंटू एस माइनस ए, क्या बोले भाई ये भी तीन है भाई, कितने फॉर्मूले रखे हैं, नौ है। वो तो आगे हो गया इन्वर्स, तो भेज भी दिया सोरे, तो इन्वर्स आया आज, इसकी एप्लीकेशन है।
लिखो भाई, अभी एक सवाल और लिखो भाई, एक सवाल करते हैं छोटा, बैठ जाते हैं दिमाग तो सड़ गया है, बहुत हो गए हैं। और लिखो, एक एम एन थ्योरम भी हो भाई, एक अपोलियन थ्योरम भी हो, ये क्या हो? एम एन थ्योरम भी, एक अपोलियन थ्योरम भी हो है। चलो खैर सवाल लिखो, ये अच्छा सवाल करते हैं। इफ द डिस्टेंस ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी, इफ द डिस्टेंस ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल, इफ द डिस्टेंस ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी is the distance of the vertices of triangle ABC from the point of the connects the inner circle with side R alpha beta gamma with the side R alpha beta gamma, then prove that R square is equal to alpha plus beta plus gamma. समझ में नहीं आया क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, किस कह रहे हैं, गामा कह रहे थे। अच्छा इसे बोल दिया क्या कह रहे भाई, देखो क्या कह रहे, सवाल पढ़ो, देखो क्या कह रहा, क्या है, जोर से पढ़ो भाई, कल के लिए पढ़ रहे, मुझे भी तो सुनाई देगा, क्या है? ऑफ ए ट्राइंगल, एक जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल है तो ट्राइंगल में वर्टिसेस भी हैं, ये तीन है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करा के हो? ए बी सी। अच्छा ट्राइंगल के ए बी सी भी कह रहा है साथ अंडे भाई, तो बहुत अच्छा हुआ, सीधा भाई नाम भी दिया, बेचारा खुद ही है। आगे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द कनेक्ट ऑफ इन सर्कल। देखो ये कह रहा है कि इसका पॉइंट से जो कनेक्ट हो रहा है, इन सर्कल जो कनेक्ट हो रहा है, कनेक्ट तो यहीं से होगा, जो इन सर्कल तो यहीं होगा भाई, अंदर बताया था ये मैंने, गोल है बिल्कुल, यो मजाक नोट वाली इसकी, ठीक है। उनकी जो लेंथ है कहाँ से, वर्टिसेस से, यानी इससे यहाँ तक की लेंथ है, ये तो हो रहा इससे, और इससे यो तक की, इससे ये तक की, इससे ये देर की अल्फा बीटा गामा है, ठीक है। मैंने एक दिन और बताया था तुम्हें, अगर ये सर्कल हो, ये कोई पॉइंट है तो ये क्या कहलाएगी, अगर हर किसी को जाएगा क्या बताए, क्या कहलाएगी, टेंजेंट। तो इसकी टेंजेंट नहीं हो गई हो, और एक ही पॉइंट से अगर दो, ये एक पॉइंट से आउटर पॉइंट से ये टेंजेंट खींचे, दोनों टेंजेंट कैसी होती हैं, इक्वल नहीं होती। तो अगर मान लिया ये है, ये तो अल्फा है, ये कितनी है इसकी, बीटा है, तो ये बीटा होगी, ये गामा है तो ये भी, आई बात सुनो। इस अगर टेंजेंट की लंबाई अगर हमेशा ध्यान रख लेना, एफ में से वो साइड कर सकता वो होती है, एफ में से मान ले इसके सामने की साइड क्या है, ए, तो अल्फा इज इक्वल टू एस माइनस ए, सेमी सर्कल में से अगर वो निकालनी है लेंथ ऑफ टेंजेंट, निकालनी हो इसकी साइड की लेंथ ऑफ टेंजेंट ही तो हो गई हो, जो अल्फा बीटा गामा दे रखे, तो क्या होता है, सेमी सर्कमफेरेंस वहाँ से वो साइड कटा दो, अभी नहीं बात नहीं। तो अल्फा इज इक्वल टू, वी नो दैट, अब तो हमें पता लग गया अल्फा इज इक्वल टू एफ माइनस ए, बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ माइनस बी, गामा इज इक्वल टू, ये समझ में नहीं आया कहाँ था, ये बात ही ये फॉर्म लिया थी, क्या कहा, उसके सर्कमफेरेंस में से, उसके सेमी सर्कमफेरेंस में से वो साइड घटा दो, उसकी जो है पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट आ जाए, ये दोनों हमेशा इक्वल होंगे क्योंकि वो टेंजेंट है इस टाइम पे,
सर्किल टेंजेंट की तो है ही, ये सर्किल है टेंजेंट टू आर इक्वल फ्रॉम द, इफ वी ड्रॉ द फ्रॉम है सेम पॉइंट, अगर एक ही पॉइंट से बाहर दो टेंजेंट खींचे दोनों टेंजेंट क्या होती है इक्वल होती है। यहाँ तो बात नहीं होगी। अच्छा अब कितनी दे रखी इसकी वैल्यू, अल्फा बीटा गामा क्या है, यो अल्फा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू निकाल लो भाई, फिर क्या जाएगी बोल लो, बोलो क्या जाएगी, प्लस कितना जगह ये थ्री एस माइनस ए प्लस बी प्लस, अरे प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी, टू एस ही नहीं होती अभी पता ही नहीं, तो थ्री एस माइनस टू एस इज इक्वल टू एस, इसकी वैल्यू। अच्छा अब अल्फा बीटा गामा की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, इन सब की वैल्यू यहाँ रख दूँ भाई, क्या आ जाएगी अल्फा बीटा गामा की आ जाएगी वैल्यू, बोल लो क्या आ जाएगी, इसे तो मिटो दूँ हैं, फिर अल्फा बीटा गामा की वैल्यू क्या आ जाएगी बोल लो, ऊपर क्या आ जाएगी बोलो, क्या आ जाएगी एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, कोई ये छोटा भी ऐसे लिखा है क्या, कुछ है छोटा भी लिखा है भैया, ये तो कोई ज़्यादा बड़ा मैटर नहीं है भाई, यही भी मैटर है ये छोटा तुमको जी, मतलब छोटा सा बोले भाई, तो छोटा ही लिख ले, मतलब ये ना मान जाइए बुरा था, ये तो ज़्यादा बड़ा मैटर तो नहीं है, मतलब एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस पी अपॉन एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या आ गया, कितना आ गया बोल लो, एस बराबर एस है भाई, यही नहीं आ जाएगा। और अब मैं क्या करता हूँ इसमें, आर की वैल्यू क्या है, डेल्टा अपॉन एस नहीं होती, अभी लिखवाई मैंने लिखवाई है भाई, डेल्टा की वैल्यू क्या होती है, बड़े आर की छोटे आर लिख क्या लिख रहे भाई, छोटा आर लिख ले, गलती हो गई मेरे, क्या आएगा छोटा आर, क्या आएगा छोटा आर इक्वल टू डेल्टा अपॉन एस, आर इक्वल टू क्या आएगा डेल्टा अपॉन एस, छोटा आर इक्वल टू क्या आएगा डेल्टा अपॉन, चलो वो तो कोई ज़्यादा बड़ा मैटर नहीं, ठीक है भाई आगे सुनो, देखो ये क्या आ गई इसमें, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी होता है ये डेल्टा, यू नहीं लिखाया मैंने, अपॉन एस यानी को लोग आर दोनों तरफ का स्क्वायर कर दिया, ये आ जाएगा आ नहीं जाएगा, अरे इससे जाके क्या बचेगा, अब तो नहीं दिक्कत आई, अब ये देखिए कहाँ की कोयला है, देखिए ये चीज़ रखी क्या के कोयला है, वो रटने वाली बात है या समझने वाली बात, ज़्यादा रटने वाली बात सुनी लिखो डायरेक्ट आर्ट इसका, अगर नहीं समझ आता भाई इसके कोई मेरे तो समझ आया नहीं, आया तो नहीं किसी के, अब इतना लंबा कहाँ से करूँगे, एस से मल्टीप्लाई कर दूँ एस से डिवाइड कर दूँ, ऊपर क्या करूँ हैं, एस से ऊपर कर दूँ एस से नीचे कर दूँ, जब भी वही आ जाएगा, अब भी नहीं थे तो एस से ऊपर नीचे एस से ऊपर एस से नीचे, ये तो डेल्टा स्क्वायर आ गया, ये एस स्क्वायर और ये आर स्क्वायर, देख ये भी आ गया, चेंज कर ले, उतार लो, बढ़िया सवाल है, अच्छा सवाल था, ये आईटी में आया जू को तुम बेहतरीन सवाल, बढ़िया जू को तुम एडिटिंग बिल्कुल ही ऐसा ही बढ़िया आता सवाल, आसान था, एक सवाल और करवा रहा हूँ इसके बाद टेस्ट है, हाँ टावर लिख लिया, पानी चाहिए
देखो अ टावर सबस्टैंड एंगल अल्फा टू अल्फा थ्री अल्फा रेस्पेक्टिवली एट अ पॉइंट ए बी सी। क्या लिखा भाई शुरू जो लिखा हुआ रेस्पेक्टिवली at a point A B C all lying on a horizontal line आ जाते मत ना all lying on a horizontal line through the foot of the tower prove that AB upon BC is equal to 1 plus 2 cos 2 alpha ए बी प्लस बी सी इक्वल टू वन प्लस टू कोस टू आल्फा। अब सवाल नहीं समझ में आया, देखो क्या कह रहा है ये, देखो सवाल समझने की कोशिश करो एक बार। देखो ये क्या कह रहा है कि ये तीन पॉइंट हैं ए बी सी, देर कहा से ये हॉरिजॉन्टल लाइन कह से किसकी 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 इसमें टावर की, ये टावर है इसमें एंगल ये बना रहे हैं, कौन कौन से बना रहे हैं, ये एक यहाँ है मान लिया ए है, फिर बी है, फिर सी है, ये एंगल बना रहा है, कितना एंगल बना रहा है यहाँ, ये तो अल्फा बना रहा है, ये टू अल्फा बना रहा है, ये थ्री है, ठीक है। चल एम नाम तो कुछ भी रख रहे हैं भाई, क्यों भाई एम मैंने के भी कुछ भी रख दिया, यही रखूं। देखो भाई क्या है, देखो समझ लेने की कोशिश करो भाई, एक बार छोड़ दी एक बार, ये अगर ये एक टावर है, क्यों कह रहा टावर के हॉरिजॉन्टल ना तीन पॉइंट हैं ए बी सी, ये रेस्पेक्टिवली कौन कौन से एंगल बना रहे, ए के साथ अल्फा, बी के साथ टू अल्फा, सी के साथ रेस्पेक्टिवली बोलते हैं, अगर ए बी सी रेस्पेक्टिवली अल्फा टू अल्फा थ्री अल्फा है, इसका मतलब ए के साथ अल्फा, बी के साथ टू अल्फा, सी एंगल थ्री अल्फा, ठीक। ये इसका जो है, ये क्या है इसका टावर है, वो प्रूव करना है मुझे ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू वन प्लस कोस टू अल्फा। यहाँ तो बात नहीं होगी, देखो भाई ये एंगल टू अल्फा है तो ये कितना एंगल आ जाएगा, ये नाइन्टी माइनस यानी 180 माइनस टू अल्फा बता रहे हैं, कितने बता रहे हैं, ये तो बता रहे तुम, ये नहीं बता रहे थे हम, ये बता रहे थे 180 माइनस टू अल्फा, तुम कैसे रहे भाई, ये बता रहे, इन्होंने बता रहे कि ये सारा 180 होता है भाई, है यानी कुछ कहने ये चाहिए थे दबान से निकला, यानी नहीं इन्हें कहना चाहिए तुम 180, देखो 180 माइनस टू अल्फा कितना आ गया, ये 180 माइनस अपने अपना दबान खेल जाए, ये अच्छा ये कितना होगा ये बताइए, चलिए बता दे, ये कितना होगा टू अल्फा, कितना होगा ये टू अल्फा, बोल लो यार फिर वही अगली बारी बात आ जाएगी, अल्फा हो गया, अल्फा नहीं बोल रहे थे तू, ये होगा अल्फा, ये कितना होगा अल्फा, ये अल्फा होगा, क्यों होगा, देखो सम ऑफ ऑल एंगल इज
180 में से इन्हें तुमने घटा दो, ये तो होगा तो क्या आगे देखो 180 माइनस 2 अल्फा प्लस अल्फा, देखिए भाई क्या आएगा 180 माइनस अल्फा, ये क्या आएगा 180 माइनस 180 प्लस अल्फा, इससे जाएगा अल्फा। ये तो कर रहे होंगे तुम भी, ये अल्फा, ये 180 माइनस 2 अल्फा, ये अल्फा, तो जब मैं इसी तरह करूंगा तो ये भी अल्फा आ जाएगा, आ जाएगा। जब जब तुमने ये अल्फा निकाल लिया, ये क्यों नहीं आना भाई, भाई ये भी 180 माइनस 3 अल्फा होगा भाई, ये भी अल्फा आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अगर एक ट्राइंगल हो, इस ट्राइंगल की दो साइड इक्वल हो तो दोनों अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, ये ट्राइंगल की डेफिनेशन हो, पता होगा, ये पता नहीं, अब तो पता लगी गई। मैं जिसको गोविंदा फिल्म में गया, तुमने कहाँ सुना, तुम ही कह रहे थे कहाँ वो, और तुमने नाम किसका सुना, अब वो पूछा है, अब वो तेरा दोस्त कहाँ, अब अच्छा वो, अब तुझे किसको पता, अब तुमने नहीं कहा वो कहाँ पूछा, तुम्हारी तो सुना उसका नाम, तो अब तो पता लगी क्या। तो यानी कि अगर ये दोनों अपोजिट साइड इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल, अपोजिट एंगल है तो अपोजिट साइड भी इक्वल। देखो भाई ये एंगल इसके इक्वल, तो ये साइड ए बी इक्वल टू बी पी, ए बी पी, ए पी इक्वल टू अरिया, और देखो ये एंगल किसके इक्वल है जी, कौन सा वाला, ये होना चाहिए ये वाला, ये कितना होगा ले भाई, ये कितना होगा 180 माइनस 3 अल्फा, इन दोनों घटा दूं क्या आएगा 180 माइनस 3 अल्फा प्लस, अब देखिए कितना आएगा भाई, अल्फा ही आ गया, अब तो कोई शक नहीं और करूं। अच्छा ले जाते हैं, क्या बता रहा था भाई, मैंने तो काम धाम छोड़ दिया, हाँ ए बी बराबर बी पी, ए बी, ए बी बराबर बी पी, क्या ए बी बराबर, देखो इसके सामने की साइड कौन सी है, ये है भाई, तो क्या देगा ए बी बराबर, ए बी बराबर बी पी है, बी पी भाई इसके सामने की तो ये है, इसके सामने की है बी पी, अच्छा डी तो है ही नहीं कहीं यार, इतना पी डी तो है था, इन बी पी है, रटने वाली बात सुनी। अब देखो अब ये भी अल्फा है, इक्वल टू बी सी हो जाएगा, बी पी इक्वल टू बी सी, बी पी इक्वल टू भाई ये भी तो एंगल है अल्फा, तो बी पी इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, बी पी इक्वल टू दिक्कत तो नहीं है भाई, अब ले लो इन ट्राइंगल बी पी सी, इन इन ट्राइंगल बी पी सी, इन ट्राइंगल बी पी सी, बी पी सी क्या आता है, देखो भाई अगर मैंने बताया था एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 इंटू परपेंडिकुलर इंटू हाइट, नहीं परपेंडिकुलर इंटू बेस या हाइट इंटू बेस है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, ये होता है नहीं, एक फॉर्मूला आज हमने बोर्ड पढ़ा है, डेल्टा इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस सारे का स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो गया जी, दिक्कत नहीं आई। अब क्या आ गया इन ट्राइंगल ए बी सी, इसमें से बी पी सी, बी पी सी इसमें साइन रूल लगाना चाहता हूँ भाई, मैं इसमें क्या लगाना चाहता हूँ, साइन रूल, यानी कि एल बी सी अपॉन साइन है, इसके सामने का एंगल है ए अपॉन साइन है, भी बताया था ए की वैल्यू क्या है तुम्हारा बी सी साइड की, तो बी सी अपॉन बी सी अपॉन साइन अल्फा, और बी पी इक्वल टू क्या जाएगा, इसके सामने का कौन सा एंगल है, इस एंगल में 180 माइनस सी अल्फा, बी पी इक्वल टू साइन 180 माइनस, या इनके पास नहीं, ये फॉर्मूला होता है ए अपॉन साइन ए, भी बताया नहीं था मैंने, ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी, बताया नहीं भाई, ये सी अपॉन साइन सी, ये होता नहीं का फॉर्मूला, ये यानी ए के सामने की साइड बताया था, ये तो है फॉर्मूला वो, तो इधर से क्या आ जाएगा भाई, ये हैं, अरे देखेंगे अभी तो, यहाँ से बात नहीं आ गई भाई, देखो बी सी तो बी सी जू को दूँ भाई,
साइन अल्फा जुगत हूँ जुगत हूँ, बी पी की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, बिंदु पे रटने वाली बात सुनी, बी सी, और साइन 180 माइनस अल्फा क्या होता है फॉर्मूला, युगत में आ जाएगा क्योंकि 2 मल्टीप्लाई 90 इवन है, इवन है तो सेम रहेगा, 180 में से इसमें जाके फिर अपने घर में ही जा रहा है तो बेचारा प्लस कह जाएगा, समझ में आ गया, कई बार बताते हैं साइन 3 अल्फा भाई बी सी लिख दें, क्या लिख दिया मैंने यार, ए बी के बराबर होगा भाई, ये बी पी कहेंगे बराबर है भाई, ये ए बी के बी पी कहेंगे बराबर है भाई, ये देखो भाई इसके सामने का ये, इसके सामने का ये, इसके सामने की तो यो है और इसके सामने की यो है, आई नहीं बात में, यो गलती हो गई, बी पी कहेंगे बराबर होगा ए बी, आई नहीं बात नहीं भाई, देखो उन्हें रटने वाली बात सुनी भाई, इसके सामने के, इसके सामने का एंगल कौन सा है, साइड कौन सी है सामने की, बी पी, इसके सामने की कौन सी हो गई, सुनना ये हो गलत थी, यहाँ ए बी आ गई, बी सी तो बी सी में कहाँ गलती आगे सुनिए बात, दिक्कत सुनी आई बात, यहाँ देखिए रटने वाली बात सुनिए, खुद बता दिया सवाल तू, तू चली गया कहाँ भाई साहब कहाँ भाग रहे, इसको इसके नीचे लिख दूँ क्या आएगा, ए बी अपॉन बी सी, इसको इसके नीचे लिख दूँ साइन थ्री अल्फा को इसके नीचे, इधर आ जाएगा आ गया है, आपका सवाल ही आ गया, वो आ नहीं गया सवाल, साइन थ्री अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, 3 साइन अल्फा माइनस 4 साइन क्यूब अल्फा अपॉन, ऊपर से क्या को मैं ले लूँ साइन अल्फा, क्या बच जाएगा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर के अल्फा ये क्या है, ये क्या मैं चाहिए मुझे आंसर, कोस 2 अल्फा में कौन सा फॉर्मूला ले जाएगा, कोस 2 अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, इधर क्या आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, ये 2 कोस 2 साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस 2 अल्फा, 1 माइनस कोस 2, आई नहीं बात सुनो, हाँ सुनो तो ये तो आ गया, ये रखा है थोड़ी है वैल्यू, आया सुनो अब यहाँ 4 है तो क्या आ जाएगा, 4 साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 2 माइनस 4 कोस 2 अल्फा, 2 माइनस के, 2 माइनस के 2 ही आएगा यहाँ, 2 माइनस 2 कोस 2 अल्फा, 2 माइनस, रिटर्निंग वाली बात सुनी, देखो भाई 3 तो युगत हूँ यहाँ, माइनस क्या आएगा 2 माइनस 2 कोस 2 अल्फा, ये तो आ जाएगा, बाहर माइनस किया तो अंदर की साइन साइन चेंज हो जाएंगे, में तू जा क्या बचेगा, 1 1 प्लस कोस हो गए, नहीं इंतजाम दिए माइनस कर, रटने वाली बात सुनी, चलो कर दो एक काम करो, थोड़ा सीधे से बैठ जाते हैं, थोड़ा ईमानदारी से हो जाए भाई, हैं भाई मन ना हो, हैं हैं हो जाएगी जो इसे इसे घड़ी जाएगी तैयारी है भाई, इसे देने के बाद यहाँ टिक मार करके, चलो थोड़ा पीछे बैठे हो तो आप पीछे तो आप बैठे हो, बैठे तब पीछे को मिला ये को मिला, अरे यार ये लो मेरे हाथ पे बाइक बैठी हुई पीछे बैठे तुम्हें रहेगा तो पीछे को बैठो भाई, आपकी टीम वाले अगर खड़े हो जाओ, हैं मैंने बताया था टेस्ट होगा भाई पहले, हैं बताया था आपको, ये टीम तो नहीं आ गया भाई किसी को, नहीं
कॉपी रख लो अपने पास। ठीक है भाई आज के लिए तुम्हें इसे टेस्ट करो। ठीक है भाई कितने क्वेश्चन है टेस्ट में? 15। तो इतनी नहीं पास ही बैठे इतनी दूर कहाँ जा रहे हैं।